तो हर शब्द का कुछ ना कुछ नाम होता है, कुछ और सब नाम सब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से सब नाम शब्द है। उसने कहा, जहाँ पर भी अंडरलाइन किया हो गया है वही सभी शब्द क्या हैं, सब नाम है। उसने कहा, मुझे 10 रुपये वाले पेंसिल और पेन दिखा दीजिए। तो उसने कहा, हम यह कह सकते थे, लेकिन रोहन ने कहा, लेकिन नहीं, हमने नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो उसने कहा, मुझे 10 रुपये वाले पेंसिल और पेन दिखा दीजिए। तो जहाँ नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, उसने और मुझे, ये सब क्या है, सर्वनाम है। उसने मनपसंद पेंसिल और पेन ले लिए। हमने दुकानदार को रुपये दिए और अपने घर वापस आ गए। तो यहाँ पर ये सब शब्द क्या है, उसने, हमने, अपने, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। ये सब क्या है, सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में सभी रेखांकित शब्द सर्वनाम है। जो भी यहाँ ऊपर के में तो रेखांकित मतलब जो भी अंडरलाइन किया गया शब्द है वो सभी क्या है, सर्वनाम है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ सर्वनाम जो है शब्द हैं, यहाँ पर हम उसको जानते हैं और उसको याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं, मेरी, हम, हमारा, वह, उसका, किसका, यह, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, उनका, ये सभी क्या है, सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्द है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये एकदम नोट कर लेना है कि इसको एकदम मेन रूप से आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद करना है।